नमस्कार, एबीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। खुटौना थाना क्षेत्र में हुई गोली कांड के चार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर फुलपरास डीएसपी ने की प्रेस वार्ता। अंधाठारी थाना क्षेत्र के नेनादत्त जनता महाविद्यालय के समीप मंगलवार को दोपहिया और चारपहिया वाहन की टक्कर में दो युवक हुए घायल, डीएमसीएच किया गया रेफर। समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी ने सात निश्चय योजना को लेकर की बैठक। बाबूबरी थाना क्षेत्र के पशरुखी गांव में हुई भीषण अगलगी में चार घर जले, लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। कलवाही थाना क्षेत्र की बर्देपुर निवासी रीता देवी के द्वारा अपनी मांगों को लेकर समाहरणालय के सामने शुरू किया गया भूख हड़ताल। खजौली प्रखंड के इनरवा पंचायत भवन में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के द्वारा बिजली कनेक्शन के लिए लगाया गया विशेष कैंप। बेनीपट्टी एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने सभी थानाध्यक्षों के साथ की बैठक, दिए कई आवश्यक निर्देश। समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी ने पोषाहार क्रय समिति के साथ की बैठक। मां जानकी सेना द्वारा बिस्पी के उच्च विद्यालय सिमरी में विभिन्न स्पर्धाओं के प्रतिभागियों के चयन हेतु किया गया कार्यक्रम का आयोजन। और जयनगर के टीपीसी भवन में पंचायत समिति सदस्यों की हुई बैठक।